हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएच फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चोटी वाला डिजाइन लाई हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा ये डिजाइन है और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हो। देखिए जितना सुंदर ये देखने में लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा आसान ये बनाने में है। ये देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ही ईजी है। ये सिर्फ 5 रो का ये डिजाइन है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इसको बनाना। और प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से डिजाइन को बनाने। बहुत ही प्रिटी ये लगता है। आप इसको जेंट स्वेटर में बनाइए, बहुत ही प्यारी आपकी स्वेटर लगेगी। या टोपी में डालिए, बच्चों की स्वेटर पर बनाइए, अपने गार्डियन पर बनाइए। कहीं भी आप इसको बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने 6 के मल्टीपल में स्टिच रखने हैं और प्लस 5 कर देना है। इतने फंदे आपने नीटिंग नीडल में लगा लेने हैं। मैं ये डिजाइन आपको 17 फंदों में बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि शुरू से हमारा डिजाइन अलग से पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 17 फंदे लगा लिए हैं। 17 स्टिच मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। 70 इसलिए क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस उसमें 5 करके 17 स्टिच मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। अब ये देखिए, अब ये हमारी रोवन है राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो हम यहाँ पर 5 फंदे उल्टे बनाएंगे एज स्टिच के साथ। 2 हो गया, 3, 4 और ये 5, इस तरह से। अब धागा आपने पीछे ले जाना है यूं, और यहां पर हम एक फंदा डालेंगे। देखिए, इस तरह से आपने फंदा डालना है, अंगूठे पे इस तरह से आपने घुमाना है और यहां पर एक फंदा हमने डालना है। और अब हम आगे वाला एक फंदा यहां पर स्लिप करेंगे यूं, और धागे को आगे लाकर फिर से 5 फंदे हम यहां पर उल्टे बनाएंगे। 2 हो गया, 3, 4 और ये 5, इस तरह से। फिर से धागे को पीछे करके हमने यहां पर एक फंदा डालना है। इस तरह से एक फंदा डालेंगे और आगे वाला एक फंदा हम यहां पर स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे लाकर फिर से 5 फंदे सीधे, और फिर से आपने वैसा ही डिजाइन डालना है। पूरी रो में यही रिपीट करते जाना है। 5 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे और उसके बाद एक फंदा डाल के एक फंदा स्लिप करेंगे। इस तरह से ये हमारी पहली रो हो गई है राइट साइड से। अब आ जाइए रो 2 में रॉन्ग साइड से। अभी इस रो को भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर, क्योंकि यही रो हमने बार बार रिपीट करनी होती है फर्स्ट और सेकेंड। अब देखिए, इसमें हम 5 फंदे फिर से रॉन्ग साइड से भी, हम जो हमने उल्टे बनाए फंदे वो हम रॉन्ग साइड से भी उल्टे ही बनाएंगे। जो राइट साइड से उल्टे बनाए वो रॉन्ग साइड से भी उल्टे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम 5 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। 3 हो गया, 4 और ये 5, इस तरह से। देखिए, 5 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब यहाँ पर हमने एक फंदा स्लिप किया था और एक फंदा यहाँ पर ये फंदा डाला था, तो इन दोनों फंदों को हम स्लिप कर देंगे, जो हमने स्लिप किया था और जो फंदा हमने डाला था, ये दोनों ही हमने यहाँ पर स्लिप करने हैं। और यहाँ पर हम एक फंदा डालेंगे, इन दोनों फंदों के बाद हम यहाँ पर एक फंदा इस तरह से डालेंगे। हम रॉन्ग साइड में भी डालते हैं तो राइट साइड में भी डालते हैं। अब इसके बाद फिर से सेम वैसे ही 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 हो गया, 4 और ये 5। अब फिर से आगे वाले 2 फंदे हम स्लिप करेंगे और उसके बाद हम यहां पर एक फंदा डालेंगे इस तरह से, और फिर से 5 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से। देखिए, ये रॉन्ग साइड से हमारी रो 2 हो गई है। अब आ जाइए रो 3 में राइट साइड से। अब यहां पर देखिए, हम पहला फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे और उसके बाद फिर से हम यहाँ पर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 हो गया, 3 और ये 4। ये देखिए, टोटल हमारे 5 फंदे हैं ये इस स्टिच के साथ। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, 5 फंदे ही हम यहाँ पर शुरू में भी उल्टे बना रहे हैं। अब फिर से धागा पीछे करके फिर से हमने यहाँ पर फंदा डालना है एक, इस तरह से। और फिर से ये फंदे हमने स्लिप करने हैं, जो हमने यहाँ पर 2 फंदे डाले थे और ये तीसरा फंदा हमने स्लिप किया था। ये 3 फंदे हमने स्लिप कर लेने हैं। फिर से धागा आगे लाकर 5 फंदे उल्टे,
और यही रिपीट करना है इस पूरी रो में हमने। इस तरह से देखिए ये पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पर फंदा डालेंगे और जो फंदे हमने यहाँ पर बनाए थे, फंदे डाले थे, वो भी हम स्लिप करेंगे और उसके साथ स्लिप किया हुआ फंदा भी स्लिप करेंगे। अब सेम पूरी रो में हमने ऐसे ही करते जाना है, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे और उसके बाद एक फंदा डाल के आगे वाले फंदे स्लिप करेंगे, जो हमने फंदे डाले थे वो भी और जो एक फंदा हमने स्लिप किया था वो भी। इस तरह से देखिए ये हमारी थर्ड रो हो गई है राइट साइड से। अब आ जाइए रो फोर में रॉन्ग साइड से। आप रो फोर में फिर से वैसे ही करना है, हमने पांच फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे यहां पर। इस तरह से देखिए एक हो गया, दो, तीन, चार और ये पांच, इस तरह से। अब ये फंदे हम पहले यहां पर स्लिप करेंगे, जो फंदे हमने डाले थे वो हम स्लिप कर लेंगे और जो स्लिप किया था वो भी हम स्लिप कर देंगे। इस तरह से देखिए ये तीन फंदे हमने यहाँ पर डाल दिए हैं तीन रो में और ये एक फंदा हमने स्लिप किया था। इसके बाद हम यहाँ पर अब एक फंदा और डालेंगे। इस तरह से ये है टोटल, हम यहाँ पर चार फंदे डालते हैं, चार चार फंदों की ये हमारी चोटी बनती है। चार फंदे हमारे टोटल हो गए और एक हमने ये स्लिप किया है, तो टोटल पांच हो गए। इस तरह से फिर से हम पांच फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, तीन हो गया, चार और ये पांच, इस तरह से देखिए। फिर से हम ये स्लिप करेंगे, ये चार फंदे, दो हो गया, तीन और ये चार, और यहाँ पर फिर से हम एक फंदा डालेंगे। बहुत ही प्यारा ये डिजाइन है और बिल्कुल सिंपल है बनाने में, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। और लास्ट के पांच फंदे भी आपने उल्टे बना लेने हैं इस तरह से। देखिए ये हमारी रो फोर हो गई है। अब आ जाइए रो फाइव में राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम यहाँ पर पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, दो हो गया, तीन, चार और ये पांच, इस तरह से हमने ये पांच फंदे अब उल्टे बना दिए। अब धागे को आपने पीछे करना है, पीछे ले जाना है धागे को। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो फंदे चार हमने एक एक फंदा हर रो में डाला था वो हम इनको ढीले करेंगे। अब यहाँ से देखिए नीचे से आपने पकड़ना है, एक फंदा छोड़ देना है, फिर से पकड़ना है, इसको छोड़ देना है, फिर से एक पकड़ के छोड़ देना है और फिर से एक पकड़ के छोड़ देना है। ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है ये आपने इस लेफ्ट नीडल में ही रहने देना है। इस तरह से ये हमने चार फंदे यहाँ पर स्लिप कर लिए। अब इनको आपने इस लेफ्ट नीडल में डालना है और ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसको आपने ऊपर से उतार देना है। इन चारों फंदों के ऊपर से आपने इसको उतार देना है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर फिर से आपने एक फंदा डालना है। अब हम रो वन से फिर से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर एक फंदा हमने यहाँ पर डाल दिया। अब पहले हमने एक फंदा स्लिप किया था एक फंदा डालने के बाद, अब ये चार फंदों का एक फंदा है क्योंकि हमारी ये चोटी हमने मोटी बनानी है। इस तरह से देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये पहली बार हमारा ये एक फंदा स्लिप करते हैं हम और उसके बाद हमारा ये चार चार फंदों का एक फंदा होता है। यहाँ पर देखिए अब हम इसको स्लिप करेंगे, ये एक फंदा हमारा हो गया चार फंदों का। फिर से धागे को आगे लाएंगे, यहाँ पर पांच फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे, सॉरी उल्टे बनाएंगे, तीन हो गया, चार और ये पांच, और इनको फिर से हम स्लिप करेंगे सेम वैसे ही। यहाँ पर देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन और ये चार, और इनको हम वापस से लेफ्ट नीडल में डालेंगे और इस एक फंदे को जो स्लिप किया हुआ फंदा है वो हमने ऊपर से उतार देना है इस तरह से। और धागे को आपने पीछे ले जाकर यहाँ पर एक फंदा डालना है और इसको हमने यूं स्लिप कर देना है। अब आगे वाले पांच फंदे फिर से आपने उल्टे बनाने हैं। पूरी रो में आपने ऐसे ही करते जाना है इस तरह से। ये देखिए ये हमारी रो फाइव हो गई है। मैं आपको आगे भी बता देती हूँ, वैसे तो हमारी यही रो रिपीट होती है लेकिन मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ये चार फंदों का एक फंदा है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको आगे भी पूरा ये बता देती हूँ।
अब आ जाइए रो 6 में, रॉन्ग साइड से। अब यहां पर देखिए, फिर से हम यहां पर पांच फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से। दो हो गया, तीन, चार और ये पांच। इस तरह से हमने पांच फंदे यहां पर उल्टे बना लिए। और फिर ये चार फंदे जो हैं, जो हमने स्लिप किए थे, वो हमने स्लिप भी करना है। और उसके पहले हमने जो एक फंदा बनाया था, वो भी हमने स्लिप कर लेना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंदा और डालना है। ये फिर से हमने चार फंदे यहाँ पर डालने हैं। हर रो में हमने एक एक फंदा ये डालते जाना है, जब तक हमारे पास की ये चार फंदे ना हो जाए। और फिर से देखिए आगे, फिर से हमने पांच फंदे उल्टे बनाने हैं और फिर से ऐसे ही रिपीट करना है। ये देखिए इस तरह से, तीन हो गए, चार और ये पांच। और फिर से हमने ये चार फंदे स्लिप किए और जो एक फंदा हमने डाला था वो भी स्लिप किया, और यहाँ पर एक फंदा और हमने डाल दिया। और फिर से पांच फंदे उल्टे बनाने हैं इस तरह से। ये हमारी रो 6 हो गई है रॉन्ग साइड से। अब आ जाइए रो 7 पर। रो 7 में भी आपने वैसे ही करना है। ये देखिए फिर से पांच फंदे यहां पर उल्टे बनाएंगे, चार और ये पांच। पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से हमने यहां पर एक फंदा डालना है इस तरह से। एक फंदा हमने यहां पर डाल लिया। और उसके बाद ये जो हमने दो फंदे यहां पर डाले थे, वो भी हमने स्लिप करने हैं, और ये आगे वाले चार फंदे भी हमने स्लिप करने हैं जो हमने स्लिप किए थे। इसी तरह से आपने पूरी रो में करना है और पांच फंदे उल्टे बनाने हैं। अब आ जाइए 8वीं रो में, रॉन्ग साइड से। रो 8 है हमारी ये, रॉन्ग साइड से। यहां पर फिर से देखिए सेम प्रोसीजर है। आठ फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे, ये सॉरी पांच फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे इस तरह से। चार हो गया और ये पांच। इस तरह से पांच फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बना लिए। और उसके बाद ये आगे वाले फंदे हम स्लिप करेंगे। चार फंदे ये जो हमारे हैं यहाँ पर, ये हम स्लिप करेंगे, और जो स्लिप किए थे हमने चार का जो एक बनाया था। और ये आगे वाले तीन फंदे जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, हर रो में हमने डाले हैं, वो भी हम स्लिप कर लेंगे और यहाँ पर एक फंदा और डालेंगे। इस तरह से ये हमारे पूरे चार फंदे हमने डाल दिए हैं, और आगे वाले पांच फंदे फिर से उल्टे बनाने हैं। पूरी रो में यही करते जाना है हमने, और लास्ट के पांच फंदे भी आपने उल्टे बना लेने हैं। आ जाइए रो 9 पे। यहाँ पर देखिए, ये हमारी 9th रो है। अब यहां पर फिर से हम पांच फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से। दो हो गया, तीन, चार और ये पांच। इस तरह से देखिए, अब धागे को आपने पीछे ले जाना है। और फिर से देखिए सेम प्रोसीजर है यहां पर, जैसे हमने रो 5 में किया था, वही रो हमने रिपीट करनी है यहां पर। देखिए ये एक हो गया, दो, तीन और ये चार। ये चार फंदे हमने खोल दिए और इनको फिर से हमने लेफ्ट नीडल में डाला। और अब यहाँ पर देखिए, पहली जो पांचवी रो होती है, उसमें एक फंदा हमारे यहाँ पर होता है। अब हर रो में आपके ये चार फंदे होंगे, यही आपने स्लिप करने हैं। इनको थोड़ा सा आपने यूं खींचना है पीछे की तरफ को, ताकि हमारे ये फंदे खुले ना, और ये चार फंदे आपने इसके ऊपर से उतार देने हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से, और यहां पर आपने एक फंदा डाल लेना है जैसे हमने रो 1 में डाला था, और इनको आपने स्लिप करना है सेम रो 5 की तरह। और फिर से आगे यहां पर पांच फंदे उल्टे बनाने हैं। दो हो गया, तीन, चार और ये पांच। और सेम फिर से वैसे ही करना है। देखिए यहां पर ये पांच फंदे हमने खोलने हैं फिर से, सॉरी चार फंदे की चोटी है हमारी ये, दो, तीन और ये चार, इस तरह से। और फिर से इनको इसमें डालना है, और ये वाले चार फंदे जो हमने स्लिप किए थे, वो हमने अब इसके ऊपर से उतारने हैं। यूं देखिए, यही आपने रिपीट करते जाना है। बस वो पांच रो का ही ये डिजाइन है, पांच रो में ही पड़ता है ये।
लेकिन पहली बार हमारा एक फंदा होता है, बाकी हमारे जो चार चार फंदे होते हैं ये हमने स्लिप करने होते हैं चार फंदे बनाने के बाद। हर पांचवी रो में हम ये करते हैं, और यहाँ पर एक फंदा डालना है आपने और ये स्लिप करने हैं। इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारा ये बनता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हो। जेंट्स स्वेटर में तो ये बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह से। अब जब आप बनाते जाओगे तो इस तरह से आपकी ये चोटी बनती जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपकी ये चोटी बनती जाएगी और बहुत ही प्यारा ये लगेगा। तो चलिए आप भी बनाइए, रो वन से लेके रो फाइव तक आपने कंटिन्यू करना है, यही पांच रो आपने रिपीट करते जाना है। तो चलिए आप भी बनाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना ना।